नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपको मंदिर में प्रसाद लेते वक्त या प्रसाद खाते वक्त ध्यान रखनी है। दोस्तों, हम सब मंदिर जाते हैं, वहाँ पर भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं और वहाँ पे पुजारी से प्रसाद लेते हैं और फिर खाते हैं। लेकिन प्रसाद खाने से पहले क्या करना चाहिए, इस संबंध में शास्त्रों में कुछ बातें बताई गई हैं। तो आइए जानते हैं कौन सी हैं वो बातें। सबसे पहली बात यह है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से पहले यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस भगवान का वह प्रसाद है उस भगवान को एक बार जरूर याद करना चाहिए। अगर आप हनुमान मंदिर में हैं और पुजारी आपको प्रसाद देता है तो बजरंगबली का एक बार नाम लें और हो सके तो उनके किसी मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपको कई शुभ फल प्राप्त होंगे। प्रसाद ग्रहण करने से कई दैवीय शक्तियों की हम पर कृपा होती है, हमारे आसपास की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। वेद पुराण में भी बताया गया है कि भगवान का प्रसाद ग्रहण करने से हमारे कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्यों में बढ़ोतरी होती है। इसी वजह से प्रसाद ग्रहण करते समय संबंधित भगवान का ध्यान अवश्य करना चाहिए। इससे आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनेगा। इसके साथ ही दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि किसी कारणवश अगर आपसे प्रसाद नहीं खाया जा रहा तो इसको फेंकना कभी नहीं चाहिए। या तो आप किसी दूसरे व्यक्ति को दे दें या मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को प्रसाद दे दें, प्रसाद को कभी ना फेंकें। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी यह जानकारी अच्छी लगी होगी। हमारा आपसे निवेदन है, अगर जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।